हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। आप देख सकते हैं, ये है मेरा हाइब्रिड मॉस रोज का पौधा है और आप देख सकते हैं इसमें कितनी कलियाँ बनी हुई हैं। और ये सब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये कलियाँ इसमें कैसे आ रही हैं और आपने इसमें क्या करना ऐसा। और हाइब्रिड है और जो देसी वेराइटी भी इनका है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें कितनी ज़्यादा ब्लूमिंग चली हुई है वो भी मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। और जो मेरा ये हाइब्रिड जो मॉस रोज है, ये मेरे पास तीन कलर का था, लेकिन अभी चार कलर का था सॉरी, लेकिन इस टाइम मेरे पास अवेलेबल ये मुझे लग रहा है ही तीन ही कलर हैं। और एक ये वाला बच्चा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसको। और इसके जो दोस्तों, इसको मैं बताती हूँ कि जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट फीड है वो क्या है, इसको क्या चाहिए और क्यों देगा ये फ्लावर। तो इसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ जो मेरा देसी वेराइटी का विनका है। इस टाइम धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो ये किस टाइम ज़्यादा ब्लूम करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, और आप इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हो आप इसके साथ। तो दोस्तों, इसकी सबसे पहले बात करते हैं कि आप इसको कैसे प्रोपोगेट करें। तो दोस्तों, इसको बरसात में हम लगाते हैं स्टार्टिंग में, ज़्यादातर बरसात में। अगर आप इसके सीड वगैरह जून जुलाई में इसके सीड वगैरह ग्रो करते हैं, और इसके सीड इस तरह से होते हैं, आई होप आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा इस टाइम, बहुत धूप पड़ रही है फ़ोन के ऊपर। तो ये देखो, आपको अगर दिख रहे होगा ढंग से, और इस तरह से यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ना, ये वाले जो ब्लैक ब्लैक से, देखो इतने ज़्यादा, और अब मेरे हाथ में भी आ गए। ये देखो आप, ये यहाँ पर इतने छोटू छोटू से सीड होते हैं और ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। और अगर आपने सीड से ग्रो नहीं करना है तो आपने क्या करना है, इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। मुझे लगता था कि जो हाइब्रिड जो मॉस रोज होता है ये कटिंग से ग्रो नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हाइब्रिड मॉस रोज कटिंग से बहुत ईजिली लग जाता है और बहुत अच्छी ब्लूमिंग भी करता है। और मैंने हाइब्रिड को कटिंग से बहुत बार लगाया भी है, और जो कि टेरेस गार्डन में मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर करती हूँ। और ये देखो आप, ऐसे बंचेस में आते हैं ये फ्लावर्स इस तरह से, और देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं। और एक ही मतलब एक ब्रांचेस है, अगर आप इसकी अगर ज़्यादा फ्लावर्स लेना चाहते हो तो आप इसके फ्लावर्स को जो बंद हो जाते हैं तो आपने क्या करना है, उसको पिंच कर देना है, जिसकी वजह से आपको एक ही ब्रांच में इतने सारे इस तरह से दिखेंगे। देखो इस तरह से बड़ी सी, मतलब एक छोटी सी ब्रांच है स्टार्टिंग से, अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो ये देखो आप, छोटी सी ब्रांच है और उसके आगे देखो आप कितने ज़्यादा, और इसमें कितने फ्लावर्स बनने वाले हैं। तो इसको क्या करना, आपने इस तरह से जैसे ये देखो, या फिर आपको सीड चाहिए, अगर आपने सीड कलेक्ट करने हैं तो आपने इसको क्या करना है, इस टाइम रहने देना। तो दोस्तों, ये हमें पूरा साल भर ब्लूमिंग देता है, ऐसा नहीं है कि आपका प्लांट मर जाता है या कुछ होता है। तो इसकी जो हाई फीड है, जो मैं आपको बताती हूँ, इसका जो सबसे ज़्यादा फीड है इसको सनलाइट, इसको सनलाइट बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर सनलाइट नहीं होगी तो आपका जो फ्लावर्स है मॉस रोज का, हाइब्रिड का या देसी का, ये आपको इतनी अच्छी तरह से ब्लूम नहीं देगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ नहीं रखा था, ये प्लांट के बीच में रखा हुआ था, आप उसको देख सकते हैं इसकी क्या कंडीशन होगी हुई, किस तरह से जैसे लग रहा है कि मर गया ये प्लांट। और इसकी ब्लूमिंग में भी आपको फर्क दिख रहा होगा, क्योंकि इसकी ब्लूमिंग भी अच्छे से नहीं हो रही है। तो इसमें मैंने एक और भी लगा के रखा है जेरेनियम की, ऐसे छोटी सी कटिंग थी जो कि मैंने इसी में लगा दी थी, और इसी में ही देख सकते हो आप ये। और ये मेरा प्लांट एक ख़राब हो गया, इसी में जेरेनियम सॉरी जो मॉस रोज था, इसमें मैंने दो कलर थे लगाए हुए, तो दो कलर में से एक ही कलर है ये भी, मुझे लग रहा है ऐसे। अब इसको मैंने बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट पर रखना है, और आफ्टर फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताऊंगी कि इसका रिज़ल्ट किसी और वीडियो में कि कैसा हो गया ये प्लांट। तो अब मुझे इससे भी बहुत सारी ब्लूमिंग लेनी है। और ये देखो आप दोस्तों, मॉस रोज को पानी बहुत कम देना होता है, आजकल विंटर है, विंटर में देख सकते हो आप मेरे गमले को किस तरह से सूखा पड़ा है। तो आप लोगों ने इन बातों का ध्यान रखना है कि इसमें पानी बहुत ही कम देना है, और नो फीडर है, मैं कहूँगी कि इसमें कोई फीड नहीं चाहिए, इसको सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट चाहिए और कोई फीड नहीं चाहिए होती इसको, चाहे हाइब्रिड है आपका चाहे देसी वैरायटी। और देखो देसी वैरायटी का आप देख सकते हैं कितना नीचे इसकी, मतलब कितना खाली पड़ा और कितना सूखा पड़ा है, और मतलब नीचे देखो इसमें कोई पानी नहीं, कुछ भी नहीं, और इसमें मिट्टी भी बहुत थोड़ी सी है। देखो दोस्तों, कितना छोटा सा गमला है ये, और इसमें मिट्टी मैं बोलूँगी कि आधा भी मेरा जो गमला है मिट्टी से नहीं भरा हुआ है। तो इसी तरह से आप लोग लगाएं अपने गमले में, और इतनी ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, और बिल्कुल लाइट वेट है, देखो इतना ऐसे सा हल्का सा ही। और आप ऐसे कटिंग लगाएं, और मॉस रोज की भी लगाएं, मॉस रोज की जो हाइब्रिड का है इसमें देखो आप कितनी ज़्यादा कलियाँ बनी हुई है। ये बस यही है कि आप इसको जितनी ज़्यादा धूप होगी दोस्तों, उतने ही ज़्यादा आपको फ्लावर्स मिलेंगे इसके। जिनके पास है ये ना मॉस रोज, तो उनको पता है कि इनको क्या फीड चाहिए होती है। मेरे पास इनको लाए हुए बहुत टाइम हो गया, जब नर्सरी से लाई थी तो बहुत छोटू छोटू से थे, मुझे लगा था कि बीच में जैसे बरसात सी हो गई थी तो उसी के बीच में जैसे लगा था कि प्लांट मर रहे हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो रही थी,
जिसकी वजह से इन प्लांटों में इतनी ऐसी हालत हो गई थी इनकी। तो अब आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन कितनी अच्छी हो गई हुई है। तो आपने इनको कुछ भी नहीं देना है और वाटरिंग देना है, लेकिन देख के देना है। आपने हफ्ते में एक बार ही पानी देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। और ऐसे बंचेस में आप फ्लावर्स ले सकते हैं। और इस टाइम दोस्तों इतना मतलब 11 बज रहे हैं और 11 बजे आप देख सकते हैं और इतनी ज़्यादा धूप है और बिल्कुल धूप में खिलते हैं दोस्तों ये, बिल्कुल धूप में ही। तो मॉसरो जो हाइब्रिड है ये तो हमारा खिला हुआ रहता है, लेकिन जो ये वाला देसी वाला है ये हमारा थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, बंद हो जाएगा ये फ्लावर्स। और इस टाइम दोस्तों ये सीड बनाने पे बहुत जोरा लगा हुआ है इनका, इसमें इनके बहुत ज़्यादा सीड बन रहे हो देखो। इस टाइम आप इनके सीड को कलेक्ट करके रख सकते हो नेक्स्ट सीजन के लिए, या फिर आप इनको कटिंग से भी बार बार लगाते रहो अलग अलग जगह पे, जिससे आपको बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका जो सॉइल मीडिया दोस्तों वेल ड्रेन होना चाहिए, पानी बिल्कुल इसके अंदर नहीं रुकना चाहिए। और उसी टाइम इसमें आप कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर की खाद डालो आप इसमें, थोड़ी सी रेत डालो इसमें आप, और बिल्कुल सैंडी मतलब बहुत ही अच्छी सी भरपूरी सी सॉइल बनाओ, जिससे कि आपका प्लांट इस तरह से आपको ब्लूमिंग दे और इतनी कलियां दे। और तो अगर आपको मेरी वीडियो ये यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।